Assalamu alaikum student, this is Arzia. I am your English teacher. Today we are going to deal with how to maintain your copy. आपने अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे नाम लिखना है, सब्जेक्ट, क्लास और सेक्शंस। और ये करने के बाद जो है आपने अपनी कॉपी के नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपने सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद डेट और फिर टॉपिक, और टॉपिक के बाद जो है आपने लिखना है पेज नंबर और फिर टीचर सिग्नेचर। आपका इंडेक्स तकरीबन 3 पेजेस पर होना चाहिए। जब आप 3 पेजेस पर इंडेक्स तैयार कर लेंगे तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर आपने फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म लिखने के बाद फर्स्ट टर्म के बिल्कुल नीचे आपने लिखना है मंथ ऑफ जून, जिस मंथ आपने होमवर्क किया है, जिस मंथ हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो इसके फौरन बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जो चैप्टर है उसका आपने टाइटल पेज बनाना है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो होगा ईफ ऑफ एडवेंचर। इसके बाद जो है हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है ईफ ऑफ एडवेंचर है। ईफ का मतलब शाम होता है और एडवेंचर का मतलब आपको पता है कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा काम जिसमें कोई रिस्क हो। या अगर हम ईफ ऑफ एडवेंचर के मीनिंग को समझें तो इस तरह से इसका मतलब ये भी है कि बिगनिंग ऑफ डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशंस, यानी कि एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरी का आगाज या उसकी शब्द। ये जो चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूरोप की हिस्ट्री और रेनेसा से मुतालिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप में किस तरह से रेनेसा के आने के बाद उनकी लाइफ पर क्या असरात पड़े हैं और आज के जो मौजूदा जो दौर है, जो मॉडर्न पीरियड है, हमें इसके असरात, इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चले हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ईफ ऑफ एडवेंचर। The Renaissance voyages of discovery rank as one of history's two or three most important phenomena in terms of their effect on the modern world. Renaissance का जो सफर है discovery का, exploration का, वो तारीख के 2 या 3 अहम events में से है कि जिनके असरात हमें आज भी, आज के जो modern world है उसमें दिखाई देते हैं। In roughly 2 centuries, from about 1420 to 1620, the urge to find new lands beyond Europe led to an unprecedented increase in knowledge about this planet. तकरीबन 2 सदियों से 1420 से लेकर 1620 तक जो एक पीरियड था रेनेसा का, इसमें यूरोप के लोग, यूरोप के जो लोग थे उनके अंदर एक डिजायर थी, एक अर्ज थी, एक ख्वाहिश थी कि वो यूरोप से बाहर न्यू लैंड्स तलाश करें। और इस डिज़ायर ने नई ज़मीनों के मुतालिक उनके इल्म में बे इंतहा इजाफा किया। डिस्कवरी लेड टू कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट, टू ओवरसीज कमिटमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस इन यूरोप। इस डिस्कवरी से नए इलाके, नई ज़मीनें मौजूद में आई, जो वहाँ के रहने वाले बशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनका दौलत पर कब्जा करने का जो अमल था उसकी वजह से यूरोप के जो लोग, जो अकवाम थी, जो नेशन थी, वो उरूज ज़वाल का शिकार हो गई हैं। इट्स ब्रॉट न्यू वेल्थ, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस। इससे नई दौलत, नए नई प्रोडक्ट्स, नए मौके, नए मसाइल्स और नई एक सोच पैदा हुई है और इससे नई नेशंस, कौमें वजूद में आई हैं। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द मैन हूज नेम्स इवोक द एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन एंड मैनी अदर्स हैव बिकम सो फेमिलियर दैट इट really rarely occurs to anyone to ask about the obvious questions about them.
ये जो शख्सियात का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये वो मशहूर शख्सियात हैं जिनके कारनामों के मुताबिक पूरी दुनिया जानती है, शायद ही कोई शख्स होगा जिनको इनके बारे में पता ना हो। Why did the great discoveries coincide with the Renaissance instead of occurring, for example, in the 12th or 13th century? जो इतनी बड़ी डिस्कवरीज का सिलसिला जो शुरू हुआ, इसका आगाज रेनेसांस से क्यों हुआ, बजाय इसका ये 12th और 13th सेंचुरी में इसका आगाज क्यों नहीं हुआ? एंड व्हाई डिड द इनिशिएटिव कम फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप, यानी कि इसकी जो इब्तिदा है वो वेस्टर्न यूरोप से क्यों हुई है? व्हाई नॉट फ्रॉम वन ऑफ सेवरल अदर रिलेटिवली एडवांस सिविलाइजेशंस लाइक चाइना, इंडिया एंड जापान इन एशिया एंड इस्लाम इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, द एस्टेक्स एंड इंका एंड माया इन द अमेरिकास। ये जो जज़ीबे हैं, ये जो कंट्रीज हैं, जो एडवांस सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, जिनमें चाइना भी है, इंडिया है, जापान है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है और यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सवाल यहाँ पे ये पूछना है कि इनका आगाज, हालांकि वो सिविलाइज बड़ी हाई सिविलाइज ये ममालिक थे, लेकिन इनका जो रेनेसां है इसका आगाज इन ममालिक में क्यों नहीं हुआ? All these possess large territories, यानी कि इनके पास बड़े वो इलाके थे, they had great wealth and levels of civilization in some respects equal to, if not superior to, those of the European nations. हालांकि इनके पास जो है इलाके थे, इनके पास बड़ी दौलत थी, इनके पास तमाम जो इनकी जो तहजीब थी वो भी हाई लेवल की थी, यानी कि आला थी। अगर हम उसका कंपैरिजन करें यूरोप के साथ, तो वो किसी हद तक यूरोप के अगर बराबर है, लेकिन उसे सुपीरियर नहीं है, ठीक है। येट लीडरशिप इन एक्सप्लोरेशन वॉज टेकन बाय पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस एंड द नीदरलैंड ऑलमोस्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर लैंड्स। लेकिन इसके बावजूद जो है जो एक्सप्लोरेशन की लीडरशिप है वो पुर्तगाल ने, स्पेन ने, इंग्लैंड और फ्रांस नीदरलैंड ने इस हासिल की है, और इसमें बाकी जो ममालिक हैं इनमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। देयर वॉज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी अबाउट द नीड्स, द स्किल्स एंड द इमेजिनेशन ऑफ यूरोपियंस इन लार्ज इन दिस एज दैट सेंट देम सर्चिंग द ग्लोब, यानी कि एक ज़रूरत थी, एक हुनर था, एक तखयल था, यानी कि जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशंस, उसने यूरोप की जो अवाम है उनको उस दौर में मजबूर कर दिया कि वो नई ज़मीनें तलाश करें। रेनेसां यूरोप नीडेड प्रेशियस मेटल्स एंड स्पाइसेस, जो रेनेसां का यूरोप है उसमें जो है उनको मेटल्स, दात और स्पाइसेस यानी कि मिसाल आजाद की ज़रूरत थी। वाइल इंडिविजुअल मर्चेंट्स हैड सोच फॉर गोल्ड एंड सिल्क, पेपर एंड ग्लव्स इन द फार ईस्ट during the middle ages, it was only in the 15th century that governments joined in the search. yani ke jo us waqt ke jo merchant the, sudakar the, wo apne sath gold aur silk aur jo paper hai jisko hum kali mirch kehte hain aur gloves wagera, gloves jo hai wo east kya naam hai east middle ages mein apne sath leke aate the। तो 15th सेंचुरी का दौर था जिसमें गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की वो भी इस काम में लग गई, यानी कि शामिल हो गई। दिस वॉज नॉट ड्यू मेरली टू ग्रेड, यानी कि इस सब की वजूहत जो रीज़न है वो लालच नहीं थी। यूरोप वॉज जेन्युइनली डेस्परेट फॉर मेटल टू मेक इनटू कॉइन, यानी कि उस वक्त जो यूरोप का जो दौर था उसमें यूरोप को मेटल की अशद ज़रूरत थी, उस मेटल के जरिए है दे कुड मेक कॉइन्स। इट्स ऑन गोल्ड डेपोजिट्स, उनके पास जो अपने जो रिसोर्सेज थे, जो वसाइल थे गोल्ड के, वर अनेबल टू कॉप विद द डिमांड, वो उनकी जो जरूरियात थी वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। विदाउट एम्पल सप्लाइज ऑफ कॉइन, यानी कि बगैर कॉइन्स की जो कसीर सप्लाई है उसके बगैर देयर कुड बी नो रियल एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन,
यानी के जो गोल्ड है, जो सोना है, उसकी सॉरी जो कॉइन्स है, कॉइन्स की सप्लाई के बगैर किसी भी तरह की कमर्शियल और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, उसको आप एक्सपेंड, उसको आप तोसी यानी कि उसको आप नहीं बढ़ा सकते। यानी कि अगर आपके पास कॉइन्स की सप्लाई मौजूद नहीं है वाफर मिकदार में। बुलियन वाज नॉट जस्ट वेल्थ, यानी कि बुलियन जो है जहाँ पर है, जो गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं, जो डेपोजिट्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उसको कहते हैं, कह रहे हैं कि जो बुलियन था वाज नॉट जस्ट वेल्थ, यानी कि वो सिर्फ दौलत नहीं थी, बट द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग वेल्थ, यानी कि एक तरह का जरिया था दौलत कमाने का। नॉर वर द स्पाइसिस देन एज दे आर नाउ, यानी कि इस वक्त जो हमारे पास जो मिसाला जात हैं, वो उस वक्त के दौर में नहीं थे। सिंपली अ वे टू एड अ विफ्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी टू फूड, यानी कि जिस तरह से खाने में एक इनफरादियत, एक खुशबू ऐड करने के लिए हम मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम तर सहूलियात उस वक्त के दौर में मौजूद नहीं थी। डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अ लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन मेंट दैट मोस्ट ऑफ द मीट दैट रेनेसांस मैन एट वाज सॉल्टेड और स्पॉइल्ड। Spices were needed to make food edible and not merely more delicious. उनके पास उस वक्त उस दौर में ना तो फ्रिज था और ना ही उनके पास ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत थी, यानी कि जो वो जो गोश्त खाते थे उस वक्त के लोग थे, यानी कि रहने सहा के जो लोग थे, वो ज़्यादातर ख़राब हो जाता था। यानी कि उनके पास फ्रिज ना होने की वजह से गोश्त खराब हो जाता था, और जो उनके अगर उनके पास जलाजात नहीं थे, दे डिड नॉट हैव स्पाइसेस टू मेक फूड एडिबल, के वो उन खानों को खाने के लायक बना सकें। तो मसालाजात की वजह से क्या था कि वो अपने खाने को मजीद लजीज, मजीद डिलीशियस, जायकादार और खाने लायक बना सकें। ये तमाम तर सहूलियत उस वक्त के दौर में उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से खाने में वो ताजगी, वो जो एक टेस्ट होता है, एक जायका होता है, एक मसाला जो चटपटा खाना जो हम खाते हैं अब इंजॉय करने के लिए, हम डिफरेंट जो है आज के दौर में हम स्पाइस इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम तर सहूलियत उनके पास नहीं थी। ना फ्रिज था, जैसे कि फ्रिज अगर हम गोश्त को बगैर फ्रिज के इस्तेमाल करें या रखें तो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन उस वक्त के दौर में इनके पास ये तमाम तर सहूलियात मुयसर नहीं थी। टुगेदर विद द नीड फॉर प्रेशियस मेटल्स एंड स्पाइसेस There was the desire to please God by converting the heathens. मिसालों की मेटल्स और स्पाइसेस की जरूरत के साथ साथ दूसरे मजाब या बगैर मजाब के लोगों को ईसाई बनाकर खुश करने की ख्वाहिश भी शामिल थी। The crusading motive was perfectly genuine, though it too had its practical side converted can natives. were more docile, converted chiefs were more cooperative. ईसाइयत की तबलीग का जो पहलू भी अपनी जगह था, मगर इसका एक दुनियावी पहलू भी था। मुझे के मजहब तब्दील करने वाले जो वहाँ के नेटिव्स थे, मकामी बाशिंदे थे, दे वर वेरी ओबीडियंट, और उनके जो सरदार थे, जो चीफ थे, वो भी कोऑपरेटिव थे। गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल अलाइक सिंसियरली बिलीव दैट इट वॉज यूरोप मैनिफेस्ट डेस्टिनी टू कन्वर्ट द इनफैडन। द गवर्नमेंट्स और उसके साथ साथ जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनका इस बात बिलीव था कि जो जितने भी हर मजहब हैं, उनको जो ईसाई हैं, जो मजहब है उसमें तब्दील करना इनकी एक तकदीर का हिस्सा है। None of the material needs that underlay the pressure for explorations could have been satisfied without seaworthy ships suited to discovery and skillful mariners. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई सी भी ख्वाहिश जिसके लिए दरियाफ जरूरी थी, यानी कि आला दर्जे के जहाजों, जिसको आप सी कह सकते हैं, सीवर्थी शिप्स, और जो स्किलफुल मैनर्स हैं, मैरिनर्स हैं, जो माहिर जहाज रान हैं, उनके बगैर जो है वो अपनी ख्वाहिश, उस ख्वाहिश को, उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते थे।
Renaissance Europe alone among maritime communities of the world possess both here than is one explanation of why the impetus for explorations came from the European nations that looked out into the Atlantic. निसातसानिया रेनेसां के दौर में सिर्फ यूरोप के पास दो चीजें मौजूद थीं, दीगर वजूहात के साथ साथ एक वजह एक रीजन जीवित था कि दरियाफ के काम का आगाज किसी और कौम के बजाय यूरोप से हुआ है।